तूने सब कुछ सुन लिया है। अगर तूने ताई जी को या किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी बताया तो तेरी इस बात का असर सीधा तेरी परीती की जिंदगी पर पड़ेगा। तुम अगर मेरी नहीं हुई। नीति ने ताई जी के सामने कबूला अपना सच, परी पर राकेश ने चलवाई गोली। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले पॉपुलर शो परिणीति की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से मन्नू के सामने नीति की सारी सच्चाई आ जाती है। और ऐसे में नीति उसे धमकी देते हुए भी नजर आती है कि यदि उसने किसी को भी जरा सा भी कुछ नीति के बारे में बताया तो परी की जान हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन फिर भी ना जाने किस तरीके से ताई जी को नीति की इन हरकतों के बारे में मालूम हो जाता है और ताई जी सामने से आकर नीति से कई सारे सवाल करने लगती है। ऐसे में नीति का फूट पड़ता है गुस्सा और नीति ये कबूलते हुए नजर आती है कि नीति ने ही परी को किडनैप करवाया है और ये सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ नीति का ही हाथ है। वहीं पे दूसरी ओर राकेश और परी की शादी रुक गई है, टूट गई है, और ऐसे में राकेश बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। राकेश कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर परी राकेश की नहीं हुई तो फिर और किसी की भी नहीं हो सकती। ऐसे में राकेश ने अपने गुंडों को कह दिया है कि वो परी पर गोली चला दे और राकेश के गुंडे कहीं ना कहीं परी को जान से मारने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे राकेश के गुंडे परी के सर पर बंदूक तानते हुए नजर आ रहे हैं और परी के ऊपर गोली चलने की आवाज भी आती है। वेल, अब देखना होगा काफी दिलचस्प कि आखिरकार क्या वाकई ही गोली की वजह से जाएगी परी की जान या फिर राजीव बचाएगा परी की जान। वेल, क्या कुछ लगता है आपको, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।